गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फोर्थ का देखिए सब्जेक्ट है ईवीएस का, साइंस का लेसन किया था हमने। अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, देखो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ए ब्रिज इज बिल्ट ऑन ए रिवर टू कंस्ट्रक्ट ए रोड ओवर इट। कंस्ट्रक्ट पता है वर्णन, कंस्ट्रक्ट किया रहता है। ब्रिज मतलब पुल, तो वो क्या बोल रहे हैं कि नदी के ऊपर में क्या बना रहता है, रोड के जैसा आपको दिखता है लेकिन होता क्या है, वो ब्रिज पुल। ठीक है, सेकंड द यूज ऑफ ए कैमल कार्ट, कैमल कार्ट ऊंट गाड़ी, इज सीन मोर इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट पता है ना आपको, डेजर्ट एरिया में कैमल कार्ट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। थर्ड चिल्ड्रन क्रॉसिंग ए फॉरेस्ट में गेट टू हेयर साउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। बच्चे क्या है, जब जंगल से जा रहे होते हैं तो उनको कौन कौन सी साउंड सुनाई देती है, एनिमल्स की एंड बर्ड्स की, मतलब जानवरों की और पंखियों की। चिल्ड्रन स्टेइंग इन, जो बच्चे माउंटेन्स मतलब पहाड़ों, जो बच्चे पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी एरिया में एरियाज हैव टू क्रॉस रॉकी रोड्स टू रीच देयर स्कूल। जो बच्चे पहाड़ी एरिया में रहते हैं, माउंटेन वाले एरिया में, तो वो क्या क्रॉस करके जाते हैं, रॉकी रोड मतलब पथरीला रास्ता। ठीक है, फाइव नंबर देखिए। ए वाइट स्टिक विद ए वेल हेल्प्स ए ब्लाइंड पर्सन टू वॉक। तो वाइट स्टिक जो है क्या करती है, किसकी मदद करती है, जो बेचारे थोड़े अंधे लोग होते हैं ना उनको चलने में मदद करती है। हम उनको वाइट कलर की स्टिक देंगे, साथ में बेल लगा देंगे तो उनको समझ में आ जाता है कि कहाँ पे से आना जाना है, और हमें भी पता चलता रहेगा कि वो कहाँ पे है। सिक्स नंबर, इन सम स्टेट्स ए ट्रॉली टाइड टू ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप वे इज यूज टू क्रॉस द वैली बिटवीन टू हाई माउंटेन्स। तो देखो कुछ स्टेटें ऐसी हैं जहाँ पे ट्रॉली का यूज़ किया, ट्रॉली मतलब आयरन का ट्रॉली स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, उसको रोप रस्सी से बांधा जाता है, उसको यूज़ किया जाता है अप और डाउन करने के लिए। जैसे बहुत सारे मंदिर वगैरह हैं जो पहाड़ी पे हैं, जहाँ पे लोग नहीं जो आ जा सकते हैं वो ट्रॉली में बैठ के जा आ सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिए सेवन नंबर, व्हेन स्कूल इज एट ए डिस्टेंस द टू व्हील्ड व्हीकल वाई साइकिल इज़ वेरी यूजफुल। जो जिसका भी कहीं भी किसी का भी स्कूल अगर ज़्यादा दूर पे है तो हम उसमें टू व्हील वाला व्हीकल यूज़ कर सकते हैं। कौन सी व्हीकल, साइकिल। ठीक है, वाई साइकिल। आगे देखिए एट नंबर, ए कैमल कार्ट हैज़ डैश व्हील। कैमल कार्ट के कितने व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, फोर। वाइल उसी के बावजूद ए ब्लॉक कार्ट बुलक कार्ट के हैज़ टू व्हील्स, बुलक कार्ट के टू, ठीक है, टू व्हील्स होती है, बुलक काट के टू और कैमल काट के फोर। ए डिफ डम पर्सन कम्युनिकेट विद द गेस्चर ऑफ हिज एंड हर आइज एंड फिंगर ऑफ द हैंड। जो पर्सन बोल नहीं सकता है या देख नहीं सकता है तो वो क्या करता है, टच करके अपना आइज फिंगर्स और जहाँ हैंड को टच करके ही अपने समझाता है, जब बताता है कोई भी उसको बात अगर बोलना होता है। तो इसको वन टाइम क्लास वर्क में आपने घर पे बैठ के करना है।